तेज रफ्तार की कहर ने फिर एक व्यक्ति की जान ली। घटना गया के कोतवाली थाना स्टेशन रोड की है, जहां नगर निगम ऑटो और ई रिक्शे में तेज रफ्तार के कारण टक्कर हो गई, जिसमें ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक गया के वारिस नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं, और वहीं दो महिला पैसेंजर घायल हो गई, जिन्हें जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार घायल महिलाएं नया गोदाम और गबरा मोहल्ले की रहने वाली हैं। वहीं ई रिक्शा चालक की मौत होने के पश्चात आक्रोशित स्थानीय लोगों ने स्टेशन रोड रामशिला के पास सड़क को जाम किया एवं सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे थे। मौके पर कोतवाली थाना अध्यक्ष रामकांत तिवारी पहुंचकर लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को हटवाया। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन चल रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार के। दस दिन पहले का मैं बात बता रहा हूँ, रात में एक ट्रैक्टर वाला आया है, ओवरटेक किया, ऐसा ओवरटेक किया सर कि जिसका मतलब एकदम चढ़ा देता, उधर करके फोन आते थोड़ा लपड़ थप्पड़ कर देता हूँ सर। एक बात बताइए आप फोन करता थाना के समय ऐसा हम बता के सर कि जिसका कोई निकाल गाली गलौज नगर निगम वालों का, इतना गाली गलौज मुंह पर रखता है सर, लगता है जैसे हम लोग कोई आदमी नहीं है, हमको तोड़ मेहनत कर रहे हैं ना सर, कमाने खाने के लिए सर, कितने दुकान में नौकरी करे वाला सर, वो भी तो वैसा ही गरीब थे आप।